कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा का लोकसभा का टिकट मिलते ही खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने पत्नी व कार्यकर्ताओं सहित खनियारा स्थित इंद्रुनाग के प्राचीन मंदिर में माथा टेका। इंद्रुनाग को क्षेत्र का पीठासीन देवता भी माना जाता है। इंद्रुनाग के दरबार में किशन कपूर ने हाजिरी लगाकर इंद्रु देवता से जीत का आशीर्वाद मांगा और इसी के साथ लोकसभा चुनावों के लिए अपने प्रचार का भी शुभारंभ किया। इसी के अंतर्गत धर्मशाला पहुंचे किशन कपूर ने धर्मशाला मंडल के भाजयुमो कार्यकर्ताओं की बैठक ली। जोधामल सराय धर्मशाला में आयोजित बैठक में केंद्र में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए युवा कार्यकर्ताओं से फील्ड में उतरने का आह्वान भी किया गया। इस दौरान मंडल भाजयुमो सहित प्रदेश व जिला भाजयुमो पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान किशन कपूर ने कहा कि पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और कांगड़ा चंबा के मतदाताओं पर उन्हें विश्वास है कि वे उन्हें आशीर्वाद जरूर देंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में राष्ट्रवाद व आतंकवाद प्रमुख मुद्दे रहेंगे। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ पूरा विश्व भारत के साथ है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और कूटनीति से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की 5 साल की उपलब्धियों के दम पर भाजपा एक बार फिर से सत्ता में काबिज होगी। कपूर ने कहा कि पालमपुर में वरिष्ठ नेता एवं वर्तमान में सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से वे मिलकर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। देखिए, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद और प्रदेश नेतृत्व का भी धन्यवाद, जिन्होंने मुझे कांगड़ा चंबा लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। और यहाँ जो मतदाता है, पूरा विश्वास है वो सभी मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। क्या रणनीति सर चुनावों को लेकर रहने वाली है? कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर जो केंद्र सरकार की हमारी 5 वर्षों की उपलब्धि है, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये रहेगा। और राष्ट्रवाद का, देश की सुरक्षा का मुद्दा, आतंकवाद उग्रवाद जो यहाँ पहले 2014 से पहले बहुत ज़्यादा था, उसको लगभग समाप्ति की ओर समाप्त करने का जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए प्रयास किए हैं, उसमें सफल हुए हैं। और आज जो हमारा पड़ोसी देश है वो भी घबराया हुआ है, डरा हुआ है, और पूरा विश्व आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा हुआ है। बहुत बड़ी सर, आप वरिष्ठ मंत्री है, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, बतौर सांसद आपको पहली बार मौका मिला है, तो क्या योजना है, किस तरह से जो है आगे आप चुनकर आते हैं तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, वो सामूहिक निर्णय होता है पार्टी का, और पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय स्तर पर बहुत सारी योजनाएं जो अनछुए वर्ग थे उनको भी राहत पहुंचाई है, और इस देश को आगे ले जाने के लिए, जिस देश को बहुत हल्के में लिया जाता था, आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है। और भारत की जो आर्थिक की जो हमारी इकोनॉमी है वो भी आगे बढ़ी है, उसमें भी पूरे विश्व में बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति जो हमारी सुदृढ़ हुई है। इसी प्रकार से और भी कई क्षेत्र हैं जिसमें भारत आगे बढ़ा है, उसका कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 5 वर्षों इस देश में जो काम किया है आम जनमानस के लिए, आज सभी लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ आकर खड़े हुए। सर, टिकट के लिए आपने अप्लाई नहीं किया था, हाईकमान ने आपको टिकट दिया है, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता और एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज उनका वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं बदनसीब हूँ और मैं हार गया हूँ, इसको लेके क्या कहेंगे सर? इस पर तो हार तो किसी की नहीं होती, बहुत बड़ी लंबी आयु है, उनको भी कभी ऐसी बात मिल सकता है। किशन कपूर को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से टिकट मिलने से भाजयुमो कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाजयुमो कार्यकर्ताओं संघ बैठक के दौरान एक पदाधिकारी ने कहा कि जैसे किशन कपूर प्रदेश में खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, तो वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जीत के उपरांत उनको केंद्र में भी इसी पद पे नवाजा जाए।